फैमिली यू विल बी डूइंग स्पीकिंग 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 पार्ट देखेंगे और पार्ट टू में मैं आपको कोरोना टेक्निक बताऊंगा जिनको भी इशू है कि मैं दो मिनट नहीं बोल पाता हूं या तो कंटेंट का इशू आता है वो सब आपको नहीं होगा क्योंकि ये टेक्निक आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है आगे बढ़ते हैं सो रिकैप है हमारे थ्री पार्ट्स होते हैं आय स्पीकिंग में पार्ट वन वार्म अप राउंड है आपके इंटरेस्ट के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके बारे में पूछे जाते हैं आपके फैमिली के बारे में सो मिनिमम टू लाइन्स आंसर होना चाहिए मैक्सिमम थ्री लाइन्स पार्ट टू में आपको एक टॉपिक दिया जाता है उस पर आपको एक मिनट मिलता है प्रिपेयर करने के लिए और दो मिनट आपको एटलीस्ट उस पर बोलना होता है पार्ट थ्री एक लेंथी डिस्कशन होता है उस टॉपिक पे जो पार्ट टू से रिलेटेड होता है मिनिमम थ्री लाइंस के आंसर होने चाहिए मैक्सिमम फोर टू फाइव लाइंस नाउ योर आइल स्पीकिंग इज पार्ट्स जितने भी चार पार्ट्स हैं ट्वेंटी फाइव परसेंट इक्वल वेटेज है इनकी सो so, नाइन को अगर आप नाइन बैंड्स को फोर से डिवाइड करोगे तो टू पॉइंट टू फाइव बैंड ईच इन सब की वेटेज है तो फ्लुएंसी इन कोहरेंस का मतलब क्या है फ्लुएंसी का मतलब ये स्पीड नहीं कि कितनी स्पीड में आप बोल रहे हैं कितने कम आप अननेचुरल पॉजिज ले रहे हैं दैट इज योर फ्लुएंसी एंड कोहरेंसेज कितनी स्किलफुली और लॉजिकली आप अपना कॉन्टेंट आर्टिकुलेट करते हैं सेकेंड इज लेक्सिकल रिसोर्स कि आपकी वोकेबलरीरी रेंज कैसी है कितने कम आप वर्ड्स uh, को रिपीट करते हैं कितने ज़्यादा आप सिनोनिम्स यूज करते हैं थर्ड इज ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी कि कितने टाइप के आप सेंटेंसेस यूज़ कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कंपाउंड सेंटेंसेस पैसिव सेंटेंसेस ग्रामेटिकल एक्यूरेसी का मतलब ये कितने मिनिमम आपके ग्रामेटिकल एरर्स हैं एंड लास्ट इज प्रोनासी राइट ओके तो दिस इज वॉट योर आई स्पीकिंग पार्ट टू लुक्स लाइक एग्जाम्पल वन कर रहे हैं क्वेश्चन पढ़ने से पहले आपको बता दूँ आपको एक मिनट मिलेगा नोट्स बनाने के लिए और दो मिनट आपको बोलना पड़ेगा सो इफ यू आर मेकिंग सेंटेंस आउट ऑफ इट तो आप ये चीज गलत टेक्निक कर रहे हैं क्यों क्योंकि आप पे इतना कॉन्टेंट नहीं रहेगा यू वॉन्ट हैव इनऑफ कॉन्टेंट टू स्पीक एंड यू वॉन्ट बी एबल टू सस्टेन एज वेल सो वॉट यू नीड टू डू आई टेल यू सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं डिस्क्राइब अलजर एक्टिविटी दैट यू डिड विद योर फैमिली और क्या क्या आप इंक्लूड कर सकते हैं यू शुड से वॉट एक्टिविटी इट वॉज वेन डिड यू डू इट विद योर फैमिली हाउ मच डिड यू इन्जॉय इट तो ये हमारा क्वेश्चन है और लेजर एक्टिविटी का मतलब होता है जो फ्री टाइम है अपार्ट फ्रॉम योर वर्क वन यूर डन विद योर रिस्पांसिबिलिटीज आप रिलैक्सेशन के लिए इन्जॉयमेंट के लिए जो एक्टिविटीज करते हैं जैसे आप फिशिंग एडवेंचर पे चले गए एन नंबर ऑफ एक्टिविटीज ट्रैवलिंग भी अब लेजर एक्टिविटी में आता है शॉपिंग भी आता है सो वट एवर लेजर एक्टिविटी अपार्ट फ्रॉम योर वर्क वन योर डन विद योर रिस्पांसिबिलिटीज

थॉट्स की जगह आप व्यूज भी कह सकते हैं और अपना टॉपिक नेम आप बता सकते हैं सेकंडली वॉट यू कैन से इज थैंक यू वेरी मच फॉर दिस ग्रेट टॉपिक एंड फॉर दिस क्यू का टॉपिक आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट अ लेजर एक्टिविटी आई डिड विद माई फैमिली सो ये दोनों आप इंट्रोडक्शन लाइन यूज कर सकते हैं एक अच्छा स्टार्ट है कॉन्फिडेंट स्टार्ट है सो यू कैन यूटिलाइज दिस एंड मेक श्योर दैट यू बर्न टेन टू फिफ्टीन सेकेंड एज वेल तो रट के नहीं बोलना है आराम से बोलना है तो दिस इज़ वॉट अ करोना वायरस लुक्स लाइक कोरोना वायरस को नाम देने के लिए वन ऑफ माई स्टूडेंट्स वारुण ही सजेस्टेड मे सर इसको नाम आप कोरोना दीजिए सेकेंडली मेन आइडिया इसकी एक सर्कल में आप अपना क्या मेन टॉपिक को लिखिए और आप पॉइंटर्स बनाइए सेंटेंसेज नहीं पॉइंटर्स बनाइए और उसको फिर इलेबरेट कीजिए इससे एक फ़ायदा और होगा कि आप ऑफ टॉपिक नहीं जाएंगे तो चलिए देखते हैं इसे कैसे करते हैं तो आप पे एक मिनट है आप फटाफट ये पॉइंट्स बना रहे हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन लाइन बोलेंगे आप इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली के बारे में बताएंगे एक लाइन ज्यादा नहीं वॉट एक्टिविटी इट वॉज क्या एक्टिविटी थी वो वेन एंड वेयर कब और हु ऑल वर देयर इन द फैमिली कौन कौन थे फैमिली के बारे में क्योंकि फैमिली से रिलेटेड टॉपिक है तो फैमिली के बारे में थोड़ा सा बताएंगे कौन कौन लोग थे हाउ डिड यू गो देयर फॉर एग्जाम्पल कोई एक्साइटिंग रोड ट्रिप थी कैसे गए थे आप थोड़ा सा उसको बताइए

शॉर्ट नहीं पड़ेंगे कंटेंट में यू विल हैव इनफ कंटेंट टू स्पीक सो यही चीज आपको क्या करना है अपने एग्जाम वाले टाइम में करना है सिर्फ प्रैक्टिस भी ऐसे ही करना है कि पॉइंटर्स बनाने हैं सो आई होप दिस कोरोना टेक्निक विल बी हेल्पफुल फॉर यू ओके मूविंग ऑन दिस इज एग्जांपल 2 वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं क्वेश्चन को तो so, इसमें भी आपको यही करना है कि आपको एक मिनट मिलेगा और आपको कोरोना टेक्निक का यूज करके क्या करना है अपने पॉइंटर्स बनाने हैं और उसे इलेबरेट करना है सो वॉट डज द क्वेश्चन टेल्स अस क्वेश्चन ये कह रहा है डिस्क्राइब अ ब्यूटिफुल हाउस या होम यू हैव बीन टू एंड वॉट यू शुड से इज वेयर इट वॉज हाउ इट लुक लाइक वेन यू विजिट इड देयर एंड वाई एंड लास्टली एक्सप्लेन वाई यू थिंक दिस वॉज अ ब्यूटीफुल हाउस सो ये मेरे पॉइंटर्स हैं और मेरे पे एक मिनट है जल्दी से जल्दी मुझे क्या बनाने है इस पर पॉइंट्स बनाने तो मैं क्या करूँगा वही कोरोना टेक्निक बीच में सर्कल और मेरा टॉपिक ताकि मैं ऑफ टॉपिक ना जाऊँ सबसे पहले मेरी वही इंट्रोडक्शन लाइन जो हमने डिस्कस करी थी उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ होम इन वंस लाइफ क्योंकि एक इंसान की आमतौर की जिंदगी किस में निकल जाती है घर बनाने में ही लग जाती है मैं नॉर्मल ह्यूमन बींग की बात कर रहा हूँ नॉट द प्रिश वंस वेयर इट इज हु owns it? कहाँ है और किसके नाम पे किसकी ओनरशिप है उस पर हाउ डिड इट लुक लाइक ये बाहर से कैसा दिखता था अब पंगलो अब यू टू से वेन एंड वाई यू विजिटेड देयर कब और क्यों आपने वहां पे विजिट दी थी विद होम यू एंड किसके साथ गए थे आप वहां पे? अब ये वाला इलेबरेशन वाला पार्ट आ रहा है वॉट ऑल डिड यू सी तो माइन्यूट डिटेल्स को भी आप क्या करेंगे अच्छी वो कैबरी के साथ की गार्डन को भी एक्सप्लेन कीजिए लैंडस्केप को लश्न एरिया था क्या था आप पैक यू था कि नहीं था वहाँ पी ए टी आई ओ और कितने रूम्स uh, थे उसमें लिविंग एरिया कैसा था पूरा अच्छे से उसे क्या कीजिए इलेबरेट कीजिए आपको क्या चीज़ वहाँ पे अच्छी लगी सो यू शुड ऑल्सो एड वॉट वॉज एक्सेप्शनल अबाउट दैट हाउस की क्या चीज़ ऐसी थी जो आपने कहीं नहीं देखी लास्टली यू कुड कॉन्क्लूड लाइक दिस योर फ्यूचर ड्रीम होम विल हैव ऑल सच फीचर्स जो आपका फ्यूचर ड्रीम होम है उसमें क्या क्या फीचर्स होंगे ये तो होंगे ही होंगे और क्या क्या होंगे सो आई फील दैट यू विल हैव इनऑफ कॉन्टेंट टू स्पीक फॉर एटलीस्ट टू मिनट्स एबल टू स्पीक एट लेंथ कॉन्टेंट इशू कभी नहीं होगा ऑफ टॉपिक आप कभी नहीं जाओगे सो ऑल द बेस्ट एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू अगर आपने इस टॉपिक प्रिपेयर किया है जैसे डिस्क्राइब अ ब्यूटिफुल हाउस या होम यू है सो so, इसके साथ साथ आपके ये टॉपिक्स भी कवर हो गए हैं जो मैं आपको नीचे बताने वाला हूँ जैसे फर्स्ट डिस्क्राइब अ मेमोरेबल प्लेस यू हैव बीन टू सेकेंड डिस्क्राइब एन प्लेस यू हैव एवर विजिटेड थर्ड डिस्क्राइब एन इंटरेस्टिंग प्लेस यू नो अबाउट और हैव बीन टू या डिस्क्राइब अ प्लेस फार अवे फ्रॉम द लोकेलिटी एंड लास्टली डिस्क्राइब अ मेमोरेबल ट्रिप यू हैव हैड सो इस टॉपिक के साथ साथ आपके ये टॉपिक्स भी प्रिपेयर हो गए हैं कोरोना टेक्निक का फॉलो कीजिए आई एम श्योर यू स्कोर हाई बैंड जिन जो जनरल वालों को जिनको ज्यादा इशू होता है एट ट्रिपल सेवन उनको स्कोर करना है सेवन स्पीकिंग में लाना है तो ये टेक्निक बहुत हेल्पफुल होने वाली है सो थैंक्स फॉर योर टाइम ऑल द बेस्ट एंड इफ यू वॉन्ट टू कॉन्टेक्ट मी इफ यू नीड एनी हेल्प यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू दीज मीडियम्स और हमारी वेबसाइट है द्रिज डॉट कॉम इसमें आप सारे मॉड्यूल्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं एक और चीज इस वेबसाइट की खासियत है कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी आयल्स राइटिंग असेसमेंट हो रहा है सो विजिट इट मेक मोस्ट ऑफ इट एंड ऑल द बेस्ट बाय